अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इन्फिनिक्स की इस HOT 12 डिवाइस का डिटेल कैमरा टेस्ट लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस डिवाइस का कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये डिवाइस हमें कैमरा के अंदर कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली है। और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो लोग इन्फिनिक्स की HOT 12 डिवाइस को एज अ कैमरा डिवाइस बाय करना चाह रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा कि भाई आप लोगों को इन्फिनिक्स की HOT 12 डिवाइस को एज अ कैमरा डिवाइस बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आए इस डिवाइस का डिटेल कैमरा टेस्ट करके देखते हैं कि हमें ये बस कैसी कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अभी हम इसके नॉर्मल 13 मेगापिक्सल वाले कैमरे से पिक्चर क्लिक करने वाले हैं। पिक्चर ये क्लिक करता हूँ, अभी आपको देखने में आइडिया हो जाए कैसी पिक्चर आई है। तो ये मैंने फुल फ्रेम के ऊपर इसके 13 मेगापिक्सल से ये पहली पिक्चर इसकी ली है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्यूटी मोड के अंदर पिक्चर लें तो ये मैं ब्यूटी मोड से ले रहा हूँ। ब्यूटी मोड से देखने के बाद कुछ इस तरह की आप लोगों को पिक्चर देखने को मिल रही है। इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड का भी फीचर है तो पोर्ट्रेट मोड से आप लोगों को दिखाते हैं कि पोर्ट्रेट मोड से इसके अंदर कैसी पिक्चर आती है। तो ये देखिए इसने कैसे बैक जो है ना वो ब्लर कर दी है और ये मैं पिक्चर क्लिक की है तो कुछ इस तरह की आप लोगों को इसके पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर देखने को मिलती है। अब हम इसके अंदर वीडियो की क्वालिटी को चेकआउट करके देख लेते हैं। सो अब मैं बनाने वाला हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की आप लोगों को वीडियो क्वालिटी देखने को मिल रही है। और अगर मैं सूरज के बिल्कुल अगेंस्ट आ जाऊं तो सूरज के अगेंस्ट आने के बाद कुछ इस तरह की आप लोगों को डायनामिक रेंज देखने को मिल रही है। सूरज बिल्कुल ऑपोजिट आ चुका हुआ है और अब मैं अगर इस तरफ आऊँ तो आप लोग देख सकते हैं ये जो वीडियो की क्वालिटी है आप लोगों को इस वक्त ये 1080p के ऊपर देखने को मिल रही है। इसके अंदर आप लोगों को 2K का फीचर भी देखने को मिल जाए। सो ये तो थी इसकी वीडियो की क्वालिटी। अब यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के अंदर बुके मोड भी मिलता है तो ये बुके मोड को मैंने इनेबल किया तो बुके मोड पे आप लोगों को सिर्फ 720p की क्वालिटी मिलती है। तो अगर आप लोग देखें तो कुछ इस तरह की आप लोगों को इसके बुके मोड के ऊपर वीडियो की क्वालिटी देखने को मिल रही है। बैक ब्लर देख सकते हैं इसने किस तरह से बैक को ब्लर किया हुआ है। सो फिलहाल ये बुके मोड को मैं भी स्टॉप कर रहा हूँ और अब मैं आप लोगों को मैं इसके ब्यूटी मोड के ऊपर वीडियो की क्वालिटी को चेक करवाता हूँ। ये है इसकी
ब्यूटी मोड के ऊपर वीडियो की क्वालिटी जो कि 720 के ऊपर ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये इसकी है वीडियो की क्वालिटी 720p के ऊपर इन्फिनिक्स और 12 के अंदर। इस वक्त आप लोग जो वीडियो की क्वालिटी देख रहे हैं वो इन्फिनिक्स और 12 के बैक कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है। वीडियो की क्वालिटी को हमने 1080p के ऊपर सेट किया हुआ है, सर आप लोगों को 30fps के फ्रेम रेट मिल रहे हैं। सन की बात की जाए तो सन इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है, मेरे यहाँ पर फेस के ऊपर सन डायरेक्टली आ रहा है। तो आप लोग कुछ इस तरह की इन्फिनिक्स और 12 के बैक कैमरे से वीडियो की क्वालिटी मिलती है जब सन सामने हो। अब मैं शिफ्ट होकर सन के बिल्कुल बैक साइड में जाने वाला हूँ और कैमरे के बिल्कुल सामने इस वक्त सन आ गया। तो कुछ इस तरह से ISO की बैलेंसिंग और डायनेमिक रेंज मिल जाती है इन्फिनिक्स और 12 के बैक कैमरे से अगर आप लोग वीडियो की क्वालिटी को रिकॉर्ड करते हैं। और जो साउंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो इन्फिनिक्स के और 12 के बैक कैमरे से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो साउंड की क्वालिटी का भी अंदाजा हो जाएगा। मैं थोड़ा चल के दिखाता हूँ कि चलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैसी वीडियो की क्वालिटी मिलती है, कोई शेकनेस वगैरह मिल रही है तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों को 2K का फीचर भी मिलता है, तो 2K के ऊपर तो मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा। अब मैं इसके बुके मोड के ऊपर शिफ्ट होऊंगा। बुके मोड के अंदर आप लोगों को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है 720p की क्वालिटी के ऊपर, तो वो मैं आप लोगों को दिखा। तो इस वक्त हमने बुके मोड को ऑन कर दिया। आप लोग देख सकते हैं मेरी सराउंडिंग की बैक ब्लरिंग कैसी है, किस तरह से ये HD डिटेक्शन कर रहा है। मैं थोड़ा चल के दिखाता हूँ कि चलने के बाद जो है ना ये बैक ब्लर कर भी पाता है, उस तरह ये नहीं कर पाता। तो आप लोग देख सकते हैं कि हल्की हल्की इसकी HD डिटेक्शन से बैक ब्लर थोड़ी थोड़ी जो है ना हल्की हल्की जो है ना मिसमैच भी हो रही है। तो कुछ इस तरह की आप लोगों को वीडियो क्वालिटी मिलती है अगर आप लोग बुके मोड को ऑन करते हैं, बट रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है आप लोगों को 720p की क्वालिटी के ऊपर। अब आप लोगों को यहाँ पे ब्यूटी मोड का भी फीचर मिलता है। अब ब्यूटी मोड के ऊपर भी आप लोगों को 720p की क्वालिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मैं वो भी थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखा। सो अब हमने ब्यूटी मोड को ऑन कर दिया। अब ब्यूटी मोड के ऊपर भी 720p के ऊपर ही हम रिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आप लोगों को क्वालिटी देखने को मिल जाए। अगर मैं वॉक करूँ और मेरे साथ ये कैमरा भी वॉक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की आप लोगों को ब्यूटी मोड के ऊपर वीडियो की क्वालिटी मिलती है। अब हम फ्रंट साइड के ऊपर शिफ्ट होने लगे हैं। फ्रंट साइड की क्वालिटी को देखते हैं कि वहाँ पर हमें कैसी क्वालिटी मिलती है इन्फिनिक्स की इस 412 की फ्रंट सेल्फी कैमरे के। और फ्रंट कैमरे के ऊपर मैं आप लोगों को इसकी वीडियो की क्वालिटी चेक करवाता हूँ। अभी सन बिल्कुल मेरे सामने है और मैं ये वॉक कर रहा हूँ और वॉक करते आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि इसके अंदर आप लोगों को कैसी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल रही है। सो ये तो थी इस डिवाइस की वीडियो की क्वालिटी फ्रंट कैमरे से। अब हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को क्लिक करके देखते हैं। सो फ्रंट कैमरे से अगर मैं पिक्चर को क्लिक करूँ तो देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह की फ्रंट कैमरे से पिक्चर क्लिकिंग के अंदर क्वालिटी देखने को मिल रही है। मैं एक और पिक्चर क्लिक करके देखता हूँ जहाँ पर सन बिल्कुल मेरे सामने है। सो ये कुछ पिक्चर देखने को मिलती है। मैंने फ्रेम को फुल अभी व्यू पे रखा हुआ है। इसके अंदर 4:3 का भी ऑप्शन मिलता है, 1:1 का भी मिलता है। तो उससे स्क्वेयर साइज के अंदर बेसिकली फर्क मिलता है। आप ब्यूटी मोड के अंदर अगर देखें तो कुछ इस तरह की आप लोगों को इसके ब्यूटी मोड के अंदर पिक्चर की क्वालिटी देखने को मिल रही है। ये फ्रंट साइड के अंदर आप लोगों को पोर्ट्रेट का फीचर मिल रहा है, ये देखिए। सो ये कुछ आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी और पिक्चर्स की क्वालिटी इन्फिनिक्स 412 डिवाइस में देखने को मिल रही है। अब हम इसका आप लोगों को स्लोमो चेक करवाते हैं।
दोस्तों इस वक्त आप लोग जो वीडियो की क्वालिटी देख रहे हैं वो इन्फिनिक्स 412 के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को मैक्सिमम 1080p की वीडियो की क्वालिटी मिलती है। सन इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है। डायनेमिक आप लोग रेंज देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ISO की बैलेंसिंग को देख सकते हैं। और जब मैं वॉक कर रहा हूँ तो आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी का भी आइडिया हो गया होगा कि वीडियो के अंदर शेक वगैरह तो नहीं महसूस हो रहा। तो कुछ इस तरह की इन्फिनिक्स 412 की आप लोगों को फ्रंट कैमरे के अंदर वीडियो की क्वालिटी मिलती है। तो बोके मोड का फीचर मिलता है, तो आप लोग देख सकते हैं बैक वगैरह इसने ब्लर कर दिया है। तो अगर आप लोग फ्रंट सेल्फी से बोके मोड के ऊपर वीडियो को बनाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी मिलती है बोके मोड के फीचर के अंदर। तो काफ़ी अच्छे और हैंडसम मेरे ख्याल से यहाँ पर बोके का इफेक्ट मिला फ्रंट साइड के ऊपर, जहाँ पर इसने मिसमैच नहीं किया है चीज़ वगैरह को। बाकी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बोके मोड के अंदर इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी वर्क कर रही है। सो दोस्तों ये तो देखा आप लोगों ने इन्फिनिक्स की इस Hot 12 डिवाइस का कैमरा टेस्ट कैसा लगा आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएगा। इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा कि यार कैमरा टेस्ट के अंदर फर्दर कुछ मैंने बताना भूल गया हूँ, तो लाजमी से इस कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इस तरह की बहुत सी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।